ये सब सड़क की उस तरफ आग लगी हुई है ना। हाँ। और लेकिन लोग रह रहे हैं चेक करके। झोपड़ियों को गोफ कहते हैं ना, जो धंस जाता है जमीन के अंदर, उसमें तो क्या है बोर्ड पे लिखा, देश की कोयला राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। ये पानी का थोड़ा सा स्लो करना है, ये पीने का पानी है। यहाँ से 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर घर पे ले जाएंगे पानी। जबकि ये सोचने वाली बात है कि दामोदर नदी इतना पास है, बराकर पास है, मैथन पास है, लेकिन पीने का पानी 30 किलोमीटर नहीं आ पाता। ये माइंस अंदर धस जाती होगी, जैसे इतना जो है व्यवस्था नहीं है वहाँ से लाने का। अब जैसे MP MLA लोग जो है उतना कोशिश नहीं है। अब कुछ पानी मैदान धनबाद तक आया है, लेकिन जगह जगह मोहल्ला तक नहीं है। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग मेन शहर में घुस रहे हैं। नहीं, धनबाद तक आ गए। क्या हो गया? मटूरिया निकलेंगे। ठीक, शर्मात बैंक मोड़ नहीं जाके मटूरिया हम लोग निकल जाएंगे। ठीक ठीक, बाएं साइड ले लीजिए। अंदर रास्ते में कहीं कोई छोटी सी चाय की दुकान होगी तो रुकना, मैं चाय भी पीऊंगा, थोड़ा थक भी गया हूँ, और थोड़ा सा देखूंगा पास में कि क्या है कैसे है। ठीक, ये क्या इतना बड़ा घर? ये अच्छा वो गोडाउन है। अरे बाप रे बाप। एक दिन चलिएगा सर, जिधर ड्यूटी जाते हैं ना। हाँ। उधर भी घूम लीजिए। चलिएगा, कल ही चलते हैं। एक दिन जिधर जाते हैं उधर भी घूम लीजिए। रास्ते बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब। So I can see the heavy vehicles, not heavy vehicle, heavy earth mover vehicles loading of the with the loaded coal, soil, sand are moving on these pathways. So it is another extremely problematic issues. कैसे 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 होगा? और ये लेबर्स चाय नाश्ता कर रहे हैं ना। मतलब जरूरी है इन सड़कों को ना सिर्फ बनाना बल्कि हर 2-3 महीने पे मेंटेन करना, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखिए संभाल के, स्लिपरी हो रही है, स्लिप हो रहा है, लेकिन हार्ड वर्क रिवॉर्ड्स यू द क्राउन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतने ज्यादा खराब रास्ते, और ऐसा नहीं कि एक दो रास्ते, सारे माइंस के रास्ते ऐसे ही, इनकी मेंटेनेंस हर 2-3 महीने भी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इतनी मेरे को लगता है लाखों टन का बोझ इन पे से रोज गुजरता होगा।
कोयले का जी। क्यों जी? हजारों ट्रक। हाँ। तो ये तो टूटना है ही, तो इसके मेंटेनेंस और अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन दोनों जरूरी है। ये क्या सामने पुलिस वाले दिख रहे हैं? कहाँ क्या है यहाँ पे? ये आगे में कैंप है सीआईएसएफ। अच्छा सीआईएसएफ का। अच्छा सीआईएसएफ का कैंप है, इसका मतलब है कि काफी कीमती यहाँ पे वर्कशॉप मशीनरी या सामान होंगे तभी होगा जी। नहीं, यहाँ से ड्यूटी लोग जो है कि इधर उधर जो है कि बांटा जाता है, एक जगह था यहाँ पे कैंप कर दिया गया। अच्छा। और यही सब लोग को जहाँ से भी ड्यूटी हुआ वहाँ भेजा जा रहा है। इतनी पतली सड़क में ये आपका पेट्रोल का भी, सॉरी फिर डीजल के टैंकर और अरे आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ड्राइवर चाह के भी यहाँ 10 से अधिक 15 से अधिक का स्पीड नहीं ले सकता। कहीं आग भट्टी उठी जल रहा, थोड़ा सा क्लास में स्लो करना, देखूंगा। और ये इतनी गंदगी है, मैं तो नहा के निकला, मुझे ऐसा लग रहा है जाके दोबारा नहाना होगा, और मेरी आंखें जल रही हैं। और लोग रह रहे हैं ये सभी डेंजर जोन में। अरे बाप रे बाप। ये धुआं क्यों जला के छोड़े हैं? ये कच्चा जो कोयला है ना। हाँ। उसको जला कर जो है कि उसको फोड़ा बना दिया जाएगा, और उसी को लोग जो है कि कुछ लोग भाई लोग जो है कि बेच बाच कर जो है कि अपना जीवन यापन करना है। 80 रुपया 90 रुपया बोरा मिल जाता है, उसका जीवन यापन करना फल पे बेच बाच कर। लेट मी डोंट स्पीक मच एंड लेट मी रिकॉर्ड द कैप्शंस टू ड्रॉ द इम्प्लिकेशंस एंड sort out the problems and opinions. चलो यहाँ नहीं कहीं, बच्चे खेल भी रहे हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस का बोर्ड है ना, ये बाएं हाथ पे ये जी। चलो लाइफ इंश्योरेंस का बोर्ड है, मतलब ये इलाके गवर्नमेंट के निशाने मींस मैप पे होंगे। लेकिन ओह छब्बीस नंबर आगे ही आता है क्या कहीं? ये 26 नंबर आगे सर, ये रोड में जाएंगे ना धनबाद वाले। हाँ। बहुत आगे। पानी की पीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा जिसको देख रहे पानी उठा के घर जा रहा। मुझे तो 10 मीटर भी खाली नहीं देख रहा, हर जगह घर ही घर है। एकदम हर जगह से, चाहे जितना भी डेंजर जो ना, कोई बात नहीं है, वो रहने वाला जो है बस रहेगा। हाँ, आराम भरोसे रह ही रहा है।
ये हम लोग मेन सड़क से जुड़ने जा रहे हैं ना, 26 नंबर पर वो जो बोर्ड लगा हुआ है वहीं से दाहिना 26 नंबर है। चलो ये मटकुरिया है, ये मटकुरिया है, ये नया पुल बन रहा है। अच्छा अच्छा, चलो अभी तो पुल ये अंदर कंस्ट्रक्शन है, ये तो चेक पोस्ट है ना या पुलिस का? ये बगल में ये। चलो अरे बाबा, अभी सर किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? हाँ अभी किस चीज का तैयारी कर रहे हैं हम? क्या हमसे? जी जी, अभी आप तैयारी कर रहे हैं? श्रम योगदान जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, उसमें क्या और होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, क्या मांग रखनी चाहिए, तो ऐसा है कि सब कुछ तो तुरंत एक वीडियो में होगा, इस वीडियो को मैं बार बार चला के देखूँ। ये तो एक वर्कर है ना, मेन सड़क पे भी इतनी प्रॉब्लम। I am not switching off my camera so that maximum caption could be captured so I can get it rewind and get it back, what has to be done more, and let me again refilter it more and more time. और ये क्या बिजली की ये तारें दाएं हाथ में? ये जो है सर पावर प्लांट है गोधर का। अच्छा, सब यूनिट स्टेशन। ये तो कोयले की ट्रक है ना लोड होके आ रही है? जी जी, अशोक लीलैंड जी। मतलब कमोबेश एक जो हम 10 किलोमीटर के एरिया में देखें वही हालत यहाँ के सारे माइंस की है। टोटल कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत डेवलपमेंट, सारी जगह वैसे ही है। इधर पे अपन जा सकते हैं? चलो चलते हैं, फिर इधर से घर निकल जाएंगे ना। चलो पहले इधर पे जिधर जा सकते हैं, ये यहाँ पे लोग ही रह रहे हैं और सड़क की इस तरफ खदान है। चलो यहाँ पे लगाओ खतरा अग्नि प्रभावी क्षेत्र के पास, और आगे से चलते तो। चलो चलो जहाँ ले चलते हो चलो, जरा सा रुक के ले लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए क्या है। हाँ हाँ, एक मिनट, सड़क के उस पार रेसिडेंस है, मुझे लगता है कम से कम 300 लोगों का घर होगा यहाँ पे, कम से कम। और सड़क के इस पार वॉकिंग डिस्टेंस पे, मैं आगे तो नहीं जाऊंगा, पर ये है खतरा अग्नि प्रभावित क्षेत्र। सो सी, मोटिवेशन सिर्फ वेज डिमांड के लिए नहीं होना चाहिए, आगे आगे कुछ देखने लायक है क्या? एवरी माइंस माइंस माइंस। चलो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे लोग?
हम लोग अभी इसी पहाड़ के उधर पे के थे क्या? नहीं, वो हम लोग दूसरे साइड में से आ रहे हैं। अच्छा, दूसरे साइड से इधर इधर लेडीज लोग हैं, यही सब ओपन कास्ट सब चल रहा है। बड़ा पथरीला रास्ता है यार। So now with this caption I will proceed ahead for the interiors. So I will start a new caption. Till then Satyamev, just a minute. Satyamev Jayate, Jai Hind, Jai Bharat.